अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफा मोमना चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चे रात को नहीं सोते, मौसम चेंज हो चुका है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि जो बच्चे रात को नहीं सो पाते ठीक से, उन पर या तो आप दम करेंगे या अजीज़ू का 7 मरतबा किसी भी टाइम, और दूसरा सरसों के तेल से आप उनके पैरों पे अच्छे से मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मौसम की तब्दीली की वजह से हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, तब भी बच्चे पुरसकून नींद नहीं ले पाते, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आज मैं आपको एक मेडिसिन का बता रही हूँ। एक सीरप है जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, बहुत से लोगों को पता भी है, और मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आप ये दे सकते हैं, तो बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये ऐसे नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर उनमें ये अलामत है नज़ला ज़ुकाम खांसी की, तो उसमें आप उस सूरत में ये सिरप बच्चे को डेली रूटीन पे पिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो, कौन सा सिरप। ओके जी, तो इसका नाम है टेक्सिलेक्ट प्रोमेथाजीन HCL प्लस फॉल्कोटीन का ये मजमू है। प्रोमेथाजीन इज़ यूज टू ट्रीटमेंट एलर्जी सिम्टम्स, और फॉल्कोटीन जो है वो यूज़ होता है कफ़ के ट्रीटमेंट के लिए। ये इसका फार्मूला है, और इसमें बहुत डोजेज वगैरह जो है और इंडिकेशंस ये सब कुछ दिया गया है। इंग्लिश में भी एक साइड पे उर्दू में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। खांसी जिस्म का एक दिफाई अमल है जो कि सांस की नालियों को फिजाई और बैरूनी ज़रात और के अंदर मौजूद बलगम साफ रखने के लिए एक कुदरती बेख्तियारी अमल है। खांसी एलर्जी की वजह से भी होती है। अमूमन खांसी खुश या बलगमी होती है। खुश खांसी को मामूली समझ कर नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि ये अंदरूनी झुलियों में वर्म और तकलीफ को बढ़ा देती है। खांसी के शरबत के लिए जरूरी है खांसी को मुकम्मल तौर पर दबा दे। शरबत में मौजूद एंटी हिस्टामिन एलर्जी की हालत में मतलब इसका जो नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, छींके आना और नाक के पिछले हिस्से या गले में गिरने वाली रतूबत को खत्म कर सके। टेक्सिलेक्स बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें मौजूद अज़ा की मकदार बच्चों की जरूरत को सही अंदाज में पूरा करती है। मुख्तलिफ खांसी के शरबत जो कि बड़ों के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों में अमूमन सही मकदार नहीं पहुंचाते, इसलिए डॉक्टर हजार टेक्सिलेक्स ही तजवीज़ करना पसंद करते हैं। टेक्सिलेक्स बच्चों की खांसी रफा करके रातों को पुरसकून बनाती है, और जब बच्चे महवे ख्वाब हो जाते हैं तो टेक्सिलेक्स नज़ला ज़ुकाम की दूसरी अलामत जैसे बहती हुई नाक या गले की खराश को भी दूर करती है, इसलिए डॉक्टर हजरात जो है वो टेक्सिलेक्स ही तजवीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें सब कुछ ये दिया गया है इंग्लिश में कि मतलब क्या क्या इसमें दे सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया है, और इसमें यही है कि साइड इफ़ेक्ट्स में इसके ये है कि हल्की सी गुनगुनी आ सकती है, वो इसी वजह से कि बच्चे पुरसकून नींद सो सकते हैं। इसके अलावा इसके कोई ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ही तैयार किया गया फार्मूला है। तो इसलिए अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी अलामत होती हैं, तो आप ये आराम से उनको दे सकते हैं, ठीक है। मकदार यहाँ पर लिखी हुई है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बच्चों को पिला सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो 1/2 टीस्पून दे दीजिए, बड़े बच्चे को 1 टेबलस्पून दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे की एज के हिसाब से, ड्रॉप्स के हिसाब से भी दे सकते हैं, और कीमत इसकी सिर्फ 51 रुपीज़ है, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें, आप बेशक अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इतनी ढेर सारी दवाइयाँ देने से बेहतर है कि अगर कोई ऐसा मसला है तो आप बच्चे को ये इजीली, या फिर नहीं समझ में आ रहा कभी इंसान को तो आपको पता होना चाहिए, तो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।